रूखी त्वचा यानी अनहेल्दी त्वचा। दीजिए अपनी स्किन को हाइड्रेशन का पोषण विद रोजा बॉडी लोशंस, सॉफ्ट मखमली एहसास रोजा लाइपास। एक शाम माँ सरस्वती जी के नाम इस आयोजन को किया जा रहा है। 10 फरवरी 2019 को शाम 7 बजे से प्रभु इच्छा तक श्री राज राजेश्वरी मंदिर करतार एवेन्यू हैबोवाल कला नजदीक पुली राम शरणम लुधियाना में। इस बारे एक आमंत्रण दिया भाई सुनील रावत धार्मिक गायक और दविंदर भारद्वाज ने ज्योतिष सम्राट सुखमिंदर जी को और सभी भक्तजनों से अपील की कि मां सरस्वती जी की पूजन के लिए सभी इस मौके पर जरूर उपस्थित हों। जय माता की। जय मां सरस्वती वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से 10 फरवरी को बसंत पंचमी वाले दिन शाम को 7 बजे से लेकर 10 बजे तक श्री राजराजेश्वरी आश्रम करतार एवेन्यू बड़ी हैबोवाल में एक विशाल सरस्वती माता जी की पूजन का आयोजन किया गया है, जिसमें लुधियाना के सभी कलाकार सम्मिलित होकर माँ सरस्वती का पूजन करेंगे, मनाएंगे, रिझाएंगे और दूसरे दिन विसर्जन के लिए शोभा यात्रा भी होगी। आप सभी शहरवासी इस पुनीत कार्य में सम्मिलित होकर हमारा भी मान बढ़ाइए और माँ भगवती की कृपा को आप प्राप्त करें। अभी अभी भाई सुनील रावत जी और दविंदर जी ने मुझे ये कार्ड दिया माँ के आशीर्वाद से भरा हुआ, तो मैं सभी अपने दोस्तों के साथ साझा करना चाहूँगा कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है उनके लिए जो लोग किसी भी परीक्षा में या पढ़ाई में बहुत आगे निकलना चाहते हैं, क्योंकि 10 तारीख माँ सरस्वती जी का दिन है, बसंत पंचमी है, तो शिक्षा के लिए माँ सरस्वती जी की विशेष पूजा की जाती है। मैं तो जा रहा हूँ वहाँ पे अपने परिवार और बच्चों के साथ, और आप सभी से भी यह विनती है कि आप सभी भी अपने परिवार के साथ खास करके बच्चों को जरूर लेके आए जिनको आप चाहते हैं कि उनके नंबर अच्छे आए और पढ़ाई में आगे हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। 12वां राशन वितरण समारोह और काल भैरव और माँ सरस्वती जी का पूजन बसंत पंचमी 10 फरवरी को सुबह 11 बजे एशियन क्लब इंटरनेशनल के कार्यालय 30 जी सराबा नगर लुधियाना में आयोजित किया जा रहा है। जो श्रद्धालु 11 महिलाओं के लिए राशन देना चाहते हैं वे 2 दिन पूर्व हमारे कार्यालय भिजवा सकते हैं। राहु की पीड़ा झेल रहे व्यक्तियों के लिए की जाएगी काल भैरव की विशेष पूजा और पढ़ाई में सफलता हासिल करने वालों के लिए की जाएगी विशेष तौर पर माँ सरस्वती जी की पूजा। दक्षिणा मात्र 500 रुपए, केवल पहले 21 व्यक्तियों को ही शामिल किया जाएगा। अति शीघ्र संपर्क करें फोन 94720533 और व्हाट्सएप 98726205। शुक्रवार को पेश हुए अंतरिम बजट खासकर इनकम टैक्स में छूट की सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने से जहां मिडिल क्लास के लोगों को लाभ होगा, वहीं जॉब करने वाले छोटे कारोबारियों को भी इस मामले में विशेष तौर पर अपनी कैपिटल बढ़ाने का मौका मिलेगा। आइए इस बारे जानते हैं विकास पामरी की एक रिपोर्ट से कुछ और बातें। आज दा इंडस्ट्री नूं काफ़ी ज़्यादा उम्मीदा सी, पर सरकार ने कुछ बहुता ज़्यादा कुछ नहीं किया, फिर भी जड़ियाँ चंगी गल्लां कीतियां उहदे विच जिहड़ी साडी बहुत छोटी इंडस्ट्री है जिहड़ी 1 करोड़ तक लोन लैंदी है उहनां नूं 2% का इंट्रस्ट सबवेंशन दिता। इस तों अलावा जिहड़ी लार्ज इंडस्ट्री है जां जिहड़ा टोटल इंडियन इकोनॉमी है, सरकार ने यह अनाउंस किया भी इहनूं 10 ट्रिलियन तक लिजाया जाएगा, जो कि एक चंगा उपराला है। सरकार की सोच बड़ी चंगी है। इस तो अलावा जिहड़े 5 लाख तक इनकम टैक्स की छोट दिती है वो जिहड़े छोटे टैक्स पेयर है उन्होंने एडवांटेज होएगा, एंड दे कैन हैव मोर मनी एंड दे कैन स्पेंड मोर मनी। ये नाल भी असी देखते हैं भी इंडस्ट्री नूं कुछ हद तक बेनीफिट होएगा। बाकी क्योंकि एंट्रम बजट है ये करके कोई बहुत ज़्यादा सोप्स या कोई बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़ाने लई कोई टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन लई इदां दीआं स्कीमां दी बहुत ज़्यादा उम्मीद सी जो कि सरकार ने पॉइंट टच की कमियां रही।
ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾਂ ਰਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਦੇ ਟੈਕਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹ ਲਾਰਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੀਡੀਅਮ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਲੋਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੁਛ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ 2% ਇੰਟਰਸਟ ਸਬਵੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਇਹ ਆਲ ਇਨ ਆਲ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਜਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੋਈ MSME ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਕੋਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਸਕੀਮ ਆਏਗੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਕੰਪੀਟ ਵਿਦ ਚਾਈਨਾ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਲਰ ਸੈਕਟਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫੰਡਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਫੰਡਸ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਰੇਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇਗੀ ਓਨਲੀ ਦੈਨ ਵੀ ਕੈਨ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਆਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਂਡ ਕੰਪੀਟ ਵਿਦ ਚਾਈਨਾ ਸੋ ਦੈਟ ਹੈਜ਼ ਨੋਟ ਹੈਪਨਡ ਇਨ ਦਿਸ ਬਜਟ ਔਰ ਐਕਸਪੋਰਟਰਸ ਦੇ ਲਈ ਨੋਟ ਈਵਨ ਅ ਸਿੰਗਲ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਅਨਾਊਂਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰੀਲਿੰਗ ਇਨ ਲੋਟ ਆਫ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਂਡ ਲੋਟ ਆਫ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਉਹ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਯੂਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਔਰ ਟਰੈਕਟਰ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 2.1 ਤੋਂ 6.1 ਅਨਇੰਪਲੋਇਡ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਸੈਡ ਸਟੇਟ ਆਫ ਅਫੇਅਰਸ ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਗਰੋ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਸੀ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਈਏ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪੈਸਾ ਵੀ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਟੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਹਾਈਜੀਨ ਟੋਇਲੈਟਸ ਐਂਡ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਟੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੁਛ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਲੱਗੇਗੀ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਅਗਰ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਦਾ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਊਟਲੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਈ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਪੈਕਟ ਨਜ਼ਰ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਵਾਂਟਿਡ ਦੈਟ ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਪਨ ਵਿਚ ਹੈਜ਼ ਨੋਟ ਬੀਨ ਆਊਟਲੇਡ ਇਨ ਦਿਸ ਬਜਟ ਰੋਕੀ ਤਵਚਾ ਯਾਨੀ ਅਨਹੈਲਦੀ ਤਵਚਾ दीजिए अपनी स्किन को हाइड्रेशन का पोषण विद रोजा बॉडी लोशंस सॉफ्ट मखमली एहसास रोजा लाइपास रोजा।